शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से माता रानी के लिए भोग बनाने का अवसर घर के सारे लोगों को मिला है। घर वाले भी तैयार हैं और लड्डू बनाने का सामान भी। तो तैयार हैं आप सब बनाने के लिए शादी का लड्डू? बुआ जी के कहने का मतलब है माता रानी के लिए लड्डू। शुरू होता है अब। चल आज। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। हाँ अब बुआ जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इन सब लोगों के लिए प्रतियोगिता कुछ ज्यादा ही आसान बना दी है? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम आरती, लेकिन क्या किया जाए? एक आइडिया है, अभी आई। चलो चलो, अपने अपने हाथ आगे करो, करो अपना हाथ आगे जल्दी। अरे चलो, आप लोगों को लड्डू सिर्फ अपना एक हाथ इस्तेमाल करके बनाने हैं। इस हाथ का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइए हाथ आगे कीजिए। अरे आओ, अब आएगा ना मजा जब एक हाथ से लड्डू बनाने पड़ेंगे। ये सब बच्चों के साथ करो ना। मम्मी पापा की बात। अरे भाभी जरा भी चीटिंग मत कीजिएगा, एक ही हाथ से बनाने हैं आपको लड्डू। दोनों की नजर रहेगी आप दोनों पर। कोई चीटिंग नहीं चाहिए। वैसे आइडिया बहुत अच्छा दिया है तुमने आरती, खेल में असली मजा तो अब बंधेगा। तो चलिए सब लोग अपनी अपनी जगह ले लीजिए। और हाँ, आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है ये लड्डू बनाने के लिए। और हाँ, सिर्फ एक हाथ से बनाने हैं आप सबको लड्डू। चलिए 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 खेल शुरू करते हैं। सारे के सारे लोग अपनी जगह पर आ चुके हैं, तो आप सब तैयार हैं लड्डू बनाने के लिए? अरे जोर से बोलिए। तो खेल शुरू करें पार्टनर। हाँ बिल्कुल। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आप सबके पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है, चलिए जल्दी 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 शुरू कीजिए। ये डालिए ना। जीत हमारे बेटे बहू की होगी, आप देख लीजिएगा। और हम इनाम में अब ऐसे पूर्ता मांगेंगे। हाँ जी दादी, हमने कभी नहीं सोचा था कि मकर संक्रांति वाले दिन हमारे घर में ऐसे जबरदस्ती की खुशी वाला माहौल होगा। माता रानी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में वो पहले वाली खुशियां फिर से लौट आए। चलिए 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अब डालिए ना। जीत के हमें वो कंगन और हार मिल जाएंगे। लगा लो पूरा जोर श्रद्धा, पर आज तुम्हारी हार तो पक्की है, ये मेरा तुमसे वादा है। कीर्ति, लड्डू बनाने के लिए हर चीज हिसाब से डालनी होती, वरना लड्डू की जगह हलवा बन जाएगा। लड्डू बने या हलवा,
आपने तो स्वाद बिगाड़ ही दिया हर चीज का। वक्त इतना कम है, अब बहुत जल्दी जल्दी ये सब ठीक करना पड़ेगा। मुझे क्या पता कौन सी चीज कितनी और कब डालनी। एक काम करती हूँ, अब थोड़ा सा तिल और बादाम डाल देती हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी लड्डू बनाने होंगे, वक्त बहुत कम है हमारे पास। बन चुके हैं, अब है फैसले की घड़ी। तो पार्टनर शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। बबलू जल्दी आओ बेटा, तुम्हारी वजह से देर हो रही है हमें। आया। हाँ मम्मी आया। ये गिफ्ट भी रेडी हो गया। यशवी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सचिन जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं हमारे जाने से माहौल और ही खराब ना हो जाए। जो भी कुछ हुआ उसे अपनी तरफ से सुधारने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। वरुण ने जो किया वो ठीक नहीं है, लेकिन हमें वरुण को माफ करना पड़ेगा कीर्ति के लिए, और अभय से माफी मांगनी पड़ेगी अपनी श्रद्धा के लिए। फिर देखना, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। तब तक ये आप गाड़ी में
रक्षा करना, वहां सब ठीक रहे। आप सब लोग तैयार हैं अपने अपने लड्डू की थाल के साथ, तो अब आप लोग एक एक करके माता रानी को लड्डू चखा दे, हमारा मतलब है कि चढ़ा दीजिए भोग। उसके बाद हम सब आरती करेंगे और उसके बाद हम मिलकर फैसला करेंगे कि इस प्रतियोगिता में किसने बाजी मारी। भाभी, हम सब आरती कर लें। श्रद्धा, अब चाहे आप इसे बेईमानी कहिए या कुछ और, पर हमारा जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। आरती खत्म हो गई है, अब है लड्डू चखने की बारी। अब हम फैसला करेंगे कि ये बाजी कौन जीता। हाय, इतने अच्छे अच्छे लड्डू, हमारे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ तो जल्दी से चख के बता देना, क्योंकि मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। मुझे जानना है कि कौन जीता और कौन हारा। तो चले पार्टनर, चलो। जगा दो हमको। अरे,
इतने क्या देर लगा रहे हैं आप, बता भी दीजिए। ठहरिए भाभी, जरा इंतजार कर लीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हमने सबके बनाए हुए लड्डू चखे हैं और अब हम फैसला करेंगे कि ये खेल में कौन जीता। तो हमने फैसला कर लिया है कि कौन सी जोड़ी इस प्रतियोगिता में जीती है। तो इस प्रतियोगिता में जीत हुई है अभय और श्रद्धा की। तालियां। ऐसे कैसे श्रद्धा जीत गई? ये ना बेमानी हो रही है यहाँ पे। हम जीते हैं, हमें हार और कंगन चाहिए। हाँ हाँ ले लो, वैसे भी तो वो क्या कर रही है आप? क्यों सच बता रही है उसे? वो हमारे जाल में नहीं फंसी, चुप रही है ना? कीर्ति बेटा देखो ये तो खेल है, इसमें हार जीत चलती रहती है। अगली बार तुम जीत जाना और अगली बार जरा अच्छे लड्डू बनाना। हम क्यों इंतजार करें अगली बार का, जब हम जीते? हमें पता है ये सब ना इस अभय की गलती है, इसी ने चीटिंग की होगी। अरे हमारा बेटा कोई बेमानी का काम नहीं करता है, सबको अपनी तरह मत समझो तुम। कीर्ति, तनुजा आप इस तरह से बात मत कीजिए कीर्ति के साथ, उनका बीपी बढ़ जाएगा और उसका असर बच्चे पे भी हो सकता है। हाँ भाभी, उसे जो मनाए वो बोले, लेकिन हम उसे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं बच्चे की वजह से। हाँ भाभी सही कह रही है, और आप लोग ना आपस में झगड़ा मत कीजिए, फैसला हमें करने दीजिए। देखिए इसमें कुमकुम का निशान है, हमें अच्छे से पता है ये श्रद्धा की थाल है और वो जो थाल है वो तुम्हारी है। अरे पर हमने तो अपने हाथ से ही दोनों थाल को बदल। हाँ क्या क्या कहा तुमने? रहने दो कीर्ति, ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती, अब जाने भी दो। आपने हमारी जिंदगी के पत्ते बदल दिए और हमें जीत लिया। ये बेकार सा लड्डू कंपटीशन नहीं जीत पाया। अरे हमने तो उस हार और कंगन के चलते ये कंपटीशन में हिस्सा लिया, वरना आपकी शक्ल ना हमें बर्दाश्त भी नहीं हो रही। मैंने पूरी कोशिश की थी वो लड्डू ढंग से बनाने की, पर क्या आज भी आप निकम्मे ही निकले ना। कीर्ति कैसे बातें कर रही है तू वरुण जी के साथ? पति है वो तेरे, और जब इस प्रतियोगिता में तुम दोनों ने बराबरी से हिस्सा लिया तो इसमें हार अकेले वरुण जी की कैसे हो गई जो तुमको इतना सुना रही है? ये ना इसी लायक, अरे जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने हमारी। खुद पुलिस में शिकायत लिखवाई, इतना बड़ा नाटक किया, अरे वो नाटक भी ढंग से नहीं कर पाई है, इनको ना जेल में ही रहना चाहिए। नाटक नहीं था वो, नहीं था वो नाटक। अरे मैं तो खुद को सजा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे खुद को सजा देने से मेरी माँ को सजा मिलेगी तो क्या करूँ? मरने दूँ उन्हें? मैं जानता हूँ कि जो गलती मैंने की है ना उसकी मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। पर ठीक, अगर कुछ लोगों को मेरी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं है ना तो मैं यहां से चला ही जाता हूं। सरुण जी को क्या हो गया? अगर मैं इस घर की माफी के लायक नहीं तो इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। जा रहा हूं मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के।
पतंग उड़ानी है। ये ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। हमारे लिए क्या मुश्किल है, क्या सही क्या गलत, इसको सोचने का हक आप खो चुके। कीर्ति ध्यान से बेटा, चोट लग जाएगी। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, आप मत बताइए।